भगवान 4 साल के हैं। एक बार राधा रानी ललिता की सखी के साथ वृंदावन घूमने गई, तो जैसे वृंदावन घूमने गई तो वृंदावन को जब देखा, शोभा वृंदावन की देखी, तो ललिता सखी को बड़ी सुंदर, राधा जी को वो वृंदावन बड़ा सुंदर लगा। तुलसी के वृक्ष है वृंदावन में, माँ तुलसा को देख करके वृंदा राधा रानी प्रमुदित हो गई, क्योंकि तुलसी कहीं न कहीं याद दिला रही है कि ये तुलसी शायद मेरे किसी प्रियतम से जुड़ी हुई है। और सच बताऊं, तुलसी जी की बड़ी महिमा है, तुलसा का बड़ा महत्व है, ये याद कर लो। तुलसी का वृक्ष, पत्ता, छाल, तना सब पावन है। पद्म पुराण में लिखा है, जो तुलसी की लकड़ी से चंदन घिसकर ठाकुर जी को लगाता है, नोट कर लो, जब आपके घर में तुलसी का पेड़ सूख जाए तो उसे फेंको नहीं, उसको घिसकर के चंदन लगाओ। तो जो तुलसी की लकड़ी का चंदन घिसकर भगवान को लगाता है, भगवान की कृपा उस पर बहुत प्राप्त होती है। अब इसी को हरी चंदन कहा जाता है, तुलसी की लकड़ी से जो चंदन बनता है इसको हरी चंदन कहा जाता है। तुलसी की लकड़ी की आग से सूख जाए जब तुलसी, उसकी लकड़ी ले लो, और उसकी आग से जो दीप भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का लाभ मिलता है। और इतना ही नहीं, तुलसी जी की महिमा, तुलसी की सूखी लकड़ी को जलाकर उसकी आंच से बनाया गया भगवान को भोग जो लगाता है, उसे मेरु के समान अन्नदान का फल प्राप्त होता है। और यही नहीं, तुलसी जी की इतनी महिमा नहीं, जो तुलसी की लकड़ी से हवन करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब अगर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो और उस अंतिम संस्कार में कोई तुलसी की लकड़ी रख देवे, तो उसका सदेह स्वर्ग की उसे प्राप्ति होती है। ये तुलसी जी की महिमा का पावन प्रसंग है। अगर तुलसी की लकड़ी जब पिंडदान करते हो और तुलसी का पत्ता पिंडदान में मिला करके पितरों को तर्पण दिया जाए, तो हजारों दिनों के तर्पण का फल मिलता है। और तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा करके जो पूजा करता है, उसे 100 दिन की पूजा का फल मिलता है। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए आपके घर में जो मैया तुलसी हैं, उनको भजो, वो भी बड़ी पावन है। और मैं तो निवेदन करूंगा, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। आजकल का आदमी मनी प्लांट लगा रहा है, अरे बाबरे, जीवन कमा रहा है, कमाई 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 कमाई, बोले मनी प्लांट लगाओ। लगाना हो तो घर में तुलसी का वृक्ष लगाओ, क्योंकि तुलसी का वृक्ष जिस घर में होता है, दारिद्र कभी उस घर में प्रवेश नहीं करता है। अब तक न लगाया हो तो आज लगा लेना, शिवानंद की बात मान करके, और लगा करके फोटो भेजना, मेरे जो नंबर चल रहे हैं। हाँ, मैं भी आपकी चर्चा करूंगा कि मेरे कहने पर तुलसी का पौधा लगाया था। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। राधा रानी पहली बार वृंदावन गई तो देखा कि वृंदावन की जब यमुना देखी तो कुछ याद आ रहा है मानो उनको। एक नील कमल लिया, कमल को लेकर के उसे बार बार निहार रही है। तो ललिता ने कहा, राधा स्वामिनी, ये जो नील कमल है ना, ऐसे ही नीले हमारे यहाँ पर वृंदावन में कृष्ण कन्हैया डोले, गोकुल में कन्हैया डोले। अब राधा रानी ने जैसे कृष्ण नाम सुना, राधा कहती, ललिता मुझे कुछ ये नाम अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मुझे ये नाम पता नहीं क्यों पहचाना हुआ सा लग रहा है। कृष्ण कृष्ण रटती राधा बरसाने आ गई। बरसाने आई तो चित्रा सखी भागती हुई आई, कहा, देखो स्वामिनी, आज मैंने एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया है। ललिता ने कहा, देखो स्वामिनी जो, अभी थक करके आई है, बाद में आना। चित्रा थोड़ा दुखी हो गई। राधा पहुंच गई, चित्रा कौन सा चित्र बनायो है बता।
चित्रा ने कहा, आज गोकुल में नंदराय ने मुझे बुलाया था। उनके बुलाने पर गई थी तो उन्होंने अपने बेटे का चित्र बनवाया। और स्वामिनी, जब मैंने नंदराय के छोरा को देखा, लाला को देखा, आहा, निहारती रह गई, इतना वो सुंदर है। कौन है वो? राधा के सामने कन्हैया का चित्र दिया गया। राधा ने जैसे कृष्ण के चित्र को देखा, हमारी किशोरी जी मूर्छित हो गई। ये तो जन्म जन्म की प्रीत मिल गई मुझे, जन्म जन्म की मीत मिल गए मुझे। निहारती रह गई, ललिता से कहती, एक वो नाम सुना था, वो भी मुझे अपनी ओर खींच रहा था, आज ये चित्र मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ललिता कहती, स्वामिनी, ये उन्हीं का चित्र है जिनका नाम मैंने तुम्हें बताया था। आहा, राधा कहती, अब तो मैं इनके दर्शन के बिना नहीं रह पाऊंगी। राधा रानी चल दी गोकुल की ओर, उधर से भगवान भी चले। बीच रास्ते में राधा और भगवान का आज पहली बार प्रथम मिलन हुआ है। अब टुकुर टुकुर कर निहारे राधा रानी, कन्हैया भी टुकुर टुकुर कर देखे। कन्हैया पूछे, कौन है तू, कौन गांव से आई है? राधा रानी कहती, मैं आई हूं गोकुल में किससे मिलने। मैंने सुना है एक नंद का छोरा है, बड़ा चोर है, उस चोर को देखने आई हूं। कन्हैया कहते, तुम्हारा क्या चुरा लिया? मानो मन ही मन कहती राधा, तुमने मेरी आत्मा चुरा ली। पवित्र प्रेम है राधा कृष्ण का। आज जिन राधा कृष्ण के प्रेम को लोग, चमड़ी के भूखे लोग बदनाम कर रहे हैं, तुम्हें मेरे कन्हैया का प्रेम समझ नहीं आएगा। एक एक किलो मांस खाने वाले लोगों, एक एक बॉटल पीने वाले लोगों, तुम्हें मेरे कन्हैया का प्रेम इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो हम सबका कथा करना व्यर्थ हो गया। हमारे ठाकुर की लीला तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। कृष्ण और राधा का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो उपासना है। क्योंकि जिस प्रेम में काम होता है, वो जिस प्रेम में कामना होती है, वो प्रेम वासना होता है। और जिस प्रेम में कामना नहीं होती है, वो प्रेम उपासना होता है।